हेलो सर, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यहाँ पर यूपी टेट रिजल्ट को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, जो कि दोस्तों मैं आज पीएनपी प्रयागराज में ही हूँ और वहाँ पर दोस्तों जो न्यूज़ मिली है मुझे पीएनपी सचिव के द्वारा, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं और दोस्तों जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, कितनी आएगी दोस्तों, इस सब पर मैंने बात किया है। तो दोस्तों मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अपडेट पाने के लिए। अब दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा कि सर यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी लगी थी और वहाँ पर इतना अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी प्रिकॉशन का चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन जो कोविड का आप समझ सकते हो। तो हमने वहाँ पर फिर भी परमिशन लेके मैं अंदर गया और वहाँ पे मैंने पूछा उनसे सर से कि सर यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा और शिक्षक भर्ती कब आएगी और रिजल्ट में दोस्तों सर कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट आपका अभी पिछले दो दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था न्यूज़ के माध्यम से कि वहाँ पर 25 के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता दूँ आपको कि 25 से लेकर के 28 के बीच में आपका यूपी टेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, प्राइमरी और जूनियर का। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने पूछा था कि कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, कॉमन नंबर जो क्वेश्चन रॉन्ग थे उनके, मतलब कितने नंबर मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि नंबर यहाँ पर मिलेंगे और कितने नंबर बढ़ेंगे ये मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता अभी, लेकिन जैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एक और बात मैंने पूछा कि सर आंसर की के बारे में, आंसर की जारी किया जाएगा रिवाइज या फिर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस पर उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं बताया फिलहाल जारी किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि शिक्षक भर्ती को लेकर के हमने पूछा था कि सर वैकेंसी अगर मान लीजिए यूपी टेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। तो उन्होंने कहा है कि अभी इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम शासन का जब आदेश आएगा ऊपर से तो हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी को लेकर के अभी यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बात नहीं चल रही है। अभी यूपी टेट का रिजल्ट जब आएगा इसके बाद वैकेंसी को लेकर के कोई बात होगी। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि योगी सरकार ने इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था कि 17,000 वैकेंसी आने वाली है और 17,000 जैसे हमारी सरकार आएगी 17,000 पर हम काम करना शुरू कर देंगे। तो सभी लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से, देखते हैं वैकेंसी कब तक आती है। दोस्तों जो मेरा अनुमान है वैकेंसी आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, जैसे ही कोई अपडेट आती है दोस्तों यूपी टेट रिजल्ट और सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी हैं हम आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल से ज़रूर जुड़ जाना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नमस्कार।